तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम कोई कार्य कर रहे हो वह संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, तब तक तुम उसमें आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हो, सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो भी कार्य करो उसको संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य समझकर करो, और आप उस कार्य को करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आपके सिवा उस कार्य को दुनिया में इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं कर सकता है। फिर आपके जीवन में एक नई क्रांति का उदय होगा, नए जीवन का सूत्रपात होगा, तभी आप आनंद के वास्तविक अनुभव को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो भी करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें, तो आप जीवन को एक सफल मार्ग की ओर ले जा पाएंगे, क्योंकि हर कार्य अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसको करने वाला छोटा नहीं होता है, उसको करते समय की गई भावनाएं सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, तो वह छोटे से छोटा कार्य भी उत्तम हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। यही बात विवेकानंद ने भी कही थी। दो मजदूरों से पूछने पर उन्होंने पाया कि एक मजदूर जो मंदिर बना रहा था, वह कह रहा था कि मैं सिर्फ अपनी दिन नानकी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, तो उसको उस कार्य में आनंद भी नहीं आ रहा था। परंतु एक दूसरे मजदूर को पूछने पर पता चला कि वह कह रहा था कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, और आनंदित होकर ईंटें उठा रहा है और लगा रहा है, भक्ति भाव से आनंदित होकर प्रफुल्लित होकर नाचता गाता कार्य कर रहा था कि मैं भगवान के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो उसका कार्य ध्यान हो गया, आनंद हो गया। इस भाव से अगर कोई व्यक्ति कार्य करे तो उसका संपूर्ण जीवन प्रभुमय, आनंदमय, आह्लादमय हो जाएगा। यही जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। धन्यवाद।